ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैंने बहुत दिनों बाद अपने YouTube शॉर्ट्स पे एक रेसिपी अपलोड की है, तो आप लोग प्लीज़ उसे देखिएगा और लाइक कीजिएगा। और बस आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी लेती हूँ, बहुत दिन से हैट्रिक चल रहा था, बिज़ी चल रहा था, तो मेरा मूड था कि आज ऑफिस नहीं आऊँगी। बट 9:30 के समथिंग मुझे कॉल आ गया कि नहीं, गेस्ट आने वाले हैं, उनको दिखाना है तो मुझे आना पड़ेगा। तो क्या करूँ, आना पड़ा फिर। तो बस मैं आ चुकी हूँ, गेस्ट को मैंने सारा रूम वगैरह दिखा दिया है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो अभी बस अब आ गई हूँ, तो काम तो जानते ही हैं कि ऑफिस में आने के बाद तो काम रुकने वाला है नहीं, तो आने के बाद बस सब शुरू रहो, संडे को भी छुट्टी नहीं, तो इसलिए थोड़ा मतलब मन से जैसे रोज़ आती हूँ उतना मन से नहीं आई थी। बट अब जब रेडी हो जाने के बाद ऑफिस आ जाता है आदमी ना, तो फिर उस शेड्यूल में ढल ही जाता है। तो अब आप सब बताइए कि कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो जिनको काम करना है उनको तो काम करना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो बस यही सब चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग शूट किया जाए, उठाते हैं मोबाइल और शुरू करते हैं। और एक सरप्राइज़ भी है आज, अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ ख़रीदने वाली हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है ख़रीदूँगी तो आप लोगों को तो ज़रूरी दिखाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की दूसरी फैमिली है, तो दूसरी फैमिली के साथ भी तो शेयर करना बनता ही है ना। तो फिर बने रहिए और इंतज़ार कीजिए कि वो सरप्राइज़ क्या है। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और ये मेरा शैतान बच्चा, थोड़ा इधर देखो, उसकी शैतानी उसके झूला में बैठ के करते, अब उसको ये चाहिए वो चाहिए किया हुआ है। उसको ये कि एक दिन अगर आप लोग इसके साथ एक घंटे का वक्त बिता लेंगे ना, फिर बोलेंगे कि मैं क्यों इसको बोलती हूँ कि इतना ज़्यादा बदमाश है, क्या है। देखिए यहाँ पर डेकोरेशन का सामान रखा है, इसको वो चाहिए वो नहीं लेते बैग में, चिप्स खाया जाता है अभी जो मंगाया है आएगा, उसके बाद खाना तो बताना है। हियर वी गो, आ गया है हम लोगों का ऑर्डर, फ्रेंच फ्राइज बर्गर सॉस, और अभी मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया है वो आएगा, एंड देन हम लोग खाएंगे डोनट। अब फ्रेंच फ्राइज खाओ ना, पहले प्लीज बनाया बिल्कुल गर्म है, मतलब बहुत ही अच्छा है। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, इस कैफ़े का नाम है द चॉकलेट रूम, और वाकई क्रेप से वगैरह से अच्छा है। इतना जस्ट अभी बनाया है, आप चीज़ देख सकते हो कैसे मिल रही है, कैसा लग रहा है। मैं चाहती हूँ इसके बाद आप मिलती हूँ। टेस्टी गाइस, मैं कोल्ड कॉफ़ी बहुत सालों बाद एक्चुअली किसी कैफे या शॉप में आके पी रही हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह में, क्योंकि बहुत साल पहले मैं छोड़ दिया था, बट इतने साल बाद इसको ट्राई किया और अच्छा था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बट ओके था। आपके अगर आसपास कोई चॉकलेट होंगे तो
तो आप भी वहाँ जाइए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मुझे तो पहली बार में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी, क्योंकि इनका बर्गर मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और रेट की बात किया जाए तो कुछ ज़्यादा हाई रेट नहीं है, सेम ही पड़ता है। गर्म है, टच नहीं करना उसको। जमी है इसको देखिए, खाया काफ़ी गर्म है डोनट्स, तो पहले मैं अपना कोल्ड कॉफी फिनिश करती हूँ, इसलिए अभी से खाया जाता है। क्यों है ना, अभी गर्म है ना, ये पियो गए एक्चुअली, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो इसको बोल रहा है, इसको ठीक नहीं लग रहा है। नहीं तो इसको कोल्ड चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझसे भी ज़्यादा, मैं उतना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, बट इसको तो अगर दो लीटर दे दिया जाए तो ठीक जाएगा, बट मैं अवॉइड करती हूँ, नहीं देती हूँ। ये नहीं ठीक लगेगा, मेरा ये कॉफ़ी है, ये नहीं ठीक लगेगा, नहीं ठीक लगेगा, तीखा लगेगा। हाँ टेस्टी इधर आओगे तब ना देखोगे कैसा लग रहा। थोड़ा हंसने वाली बात है बट मैं लाइफ में पहली बार डोनट ट्राई कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब वगैरह पे बहुत देखा है बट मैंने आज तक कभी लाइफ में डोनट नहीं खाया है, कभी भी नहीं, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और वाकई बहुत ही टेस्टी है। अब वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो अगर आपने कभी डोनट ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कीजिएगा, थोड़ा नया एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा है। मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके, ऑफिस का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मुझे लंच टाइम पे ये सारी बकवास चीज़ें खाई जा रही है। मैं आपसे मिलती हूँ घर पर, ठीक है ना, तब तक मैं अपना डोनट्स इंजॉय करती हूँ। इतना हिल क्यों रहा है, मुझे इसी पे गुस्सा आता है। लेट्स अ बिग बाइट, आपको पता है मैंने पिछले 6 महीने से अपना आईब्रो नहीं बनवाया है, तो सडनली मुझे याद आया कि अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मेरे हाथ में टाइम है, तो क्यों ना टाइम मिल चुका है तो मैं जाके आईब्रो थोड़ा बनवा ही लूँ, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब आईब्रो पे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मैं घर के ऑलमोस्ट पास में ही हूँ और पास में ही एक सैलून है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और अपना आईब्रो बनवाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए चलते हैं।
नहीं नहीं पानी वानी नहीं लिए, हम सब पी के ही आ रहे हैं। धूप है लगा? हाँ बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी ऑफिस से ही आ रहे हैं तो पानी को। चलिए फटाफट फिर शुरू करते हैं। डन आईब्रो मैंने अपर लिप पे वैक्स करवा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा हेयर यहाँ भी आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। नाउ इज डन, चलते हैं घर। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने फेस वॉश कर लिया है, फेस से मेकअप निकाल लिया है, क्योंकि ऑफिस जाना होता है। तो ओबियसली मेकअप क्या, मैं फाउंडेशन वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, मैं एक सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, और कॉम्पैक्ट लिपस्टिक और मस्कारा और आईब्रो फिल करती हूँ, क्योंकि बिना आईब्रो फिल किए तो मेकअप कंप्लीट होता नहीं है। तो ऑफिस में जाने के लिए कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बट फिर भी जो भी मेकअप करती हूँ, मुझे फेस को क्लीन रखना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आई और फटाफट मैंने फेस वॉश किया। और देखिए आईब्रो बन जाने के बाद लिटरली स्ट्रक्चर मिल जाता है फेस को, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने अपर लिप भी करवाया, मैंने अपर लिप पे थ्रेडिंग नहीं करवाई, मैंने वैक्स करवाया। थोड़ा सा कॉस्टली होता है वैक्स, बट अच्छा होता है वो, एक तो जल्दी हो जाता है, प्लस इतना जल्दी ग्रोथ भी नहीं होता है हेयर का, और काफ़ी बढ़ गया था, मतलब काफ़ी क्या ऐसा, मतलब मेरा हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट फिर भी जो भी है पाउडर वगैरह लगाने से जो थोड़ा बहुत दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। और जो अगर कोई लड़की देख रही होगी ये ब्लॉग मेरा, तो वो उसको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि 6 महीने तक कोई भी लड़की बिना थ्रेडिंग के नहीं रह सकती। बट आई स्वेयर मैंने 6 महीने से थ्रेडिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि एक तो मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, दूसरा अगर थोड़ा फ्री होती भी थी तो अरे यार रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इतना टायर्ड हो जाती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे अपने फेस पे या फिर अपने ऊपर कुछ ब्यूटी पार्लर में जाके करवाना चाहिए। मेरा इतना कर्ल हेयर है, बहुत सारे छोटे छोटे बेबी हेयर निकल जाते हैं, मैं कितना बार सोचती हूँ कि एक बार जाके स्ट्रेटनर करवा लूँ, स्ट्रेट करवा लूँ अपना हेयर, बट टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो टाइम टेकिंग उसमें बहुत लगता है। और सोचिए संडे था आज, मैं नहीं जाने का प्लान रखी होती, पर क्या हुआ एंड ऑफ द डे मुझे जाना पड़ा, मैं गई वहाँ का काम ख़त्म किया, और मैं घर आ रही थी तो मुझे अचानक याद आया कि अरे यार आईब्रो तो कितने दिन से मैंने बनाया ही नहीं है, और तब जाके ये आईब्रो बनाया ही। तो अगर आज मैं भूल जाती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कब बनवाती, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं रहता है इन सब चीज़ों पे कि मुझे कुछ करवाना है वगैरह वगैरह। बट फाइनली बन गया और अच्छा लग रहा है फेस। आप बताइएगा कि कुछ अंतर दिख रहा है मेरे फेस में कि नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है। मैंने आईब्रो अभी नहीं बनवाया था और अपर लिप भी बनवा लिया है, तो आई थिंक ठीक लग रहा है। तो अभी आई थिंक 3:30 हो रहे हैं और मैं लेने जा रही हूँ 1 घंटे की नैप, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, धूप बहुत है ना, तो इतने दिन 4-5 घंटे ही बाहर रहने के बाद आदमी थक जाता है, और बिना ए सी के तो रहने वाला दिन नहीं है। और कैन यू बिलीव दिस, मेरे घर में ए सी नहीं लगा है। मुझे पता है आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा क्या है झूठ बोल रही है, बट सच में, क्योंकि मैं नीचे सोने जा रही हूँ, देखिए मेरा पिल्लो, और मैं यहीं पे सोऊंगी अभी, क्योंकि मेरे घर में भी एसी नहीं लगा, बट कोई नहीं, होपफुली जल्दी लग जाएगा। कोशिश कर रही हूँ कि लगवा लूँ, कम से कम 1 रूम में तो एसी लगवाऊँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी मैं नीचे ही सोने जा रही हूँ, क्योंकि नीचे अभी बहुत सुकून मिलता है, पलंग वगैरह पे सोने में तो अभी जानते ही हैं आग फेंकता रहता है दोपहर का टाइम है। तो जैसे कि मैंने बोला था शुरुआत में ब्लॉग के कि कुछ सरप्राइज है जो मैं अपने लिए खरीदूंगी, और आपको जब मैं खरीदूंगी तब दिखाऊंगी। तो वो सरप्राइज क्या है अगर आपको जानना है तो क्या करना होगा, अरे ब्लॉग देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि कहीं भी मैं वो सरप्राइज दिखा सकती हूँ। तो अभी मैं सोती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। ओके तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कल शाम के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, एक्चुअली कुछ पर्सनल काम आ गया था उसमें मैं बिज़ी हो गई थी, और मैंने आपको जो बोला था कि सरप्राइज है वो भी मैं नहीं खरीद पाई, क्योंकि उसमें मैं बिज़ी हो गई थी। बट वो खुली आज शायद वो सरप्राइज मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। और अभी मैं ऑफिस आ गई हूँ, तो ऑफिस का काम निपटाने के बाद इवनिंग में ही मैं निकलूँगी बाहर, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस का काम दिन भर चलता रहता है, और अभी लगन का सीज़न है तो थोड़ा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है। तो अभी आ गई हूँ, काम धंधा आधा से ज़्यादा निपट चुका है मेरा,
और अब लंच का टाइम हो रहा है, तो लंच करने के लिए आउटडोर पार्टी चल रहा है, तो कुछ खाने को है नहीं, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है अपने लिए और मैं वही खाऊंगी, क्या करूँ। जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, बट कभी कभी हो जाता है, खाना पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह से कुछ मैंने नहीं खाया है, सिर्फ चाय पी के हूँ और अभी 1 बजने वाले हैं तो भूख भी लग गई मुझे। ऑब्वियसली घर में आदमी रहता है तो कंट्रोल भी कर लेता है, बट बाहर काम करते वक्त भूख लग जाती है और जो मिलता है बस उसको खा लो। तो बस अभी मैं वही ऑर्डर करूँगी और खाऊँगी, क्या करूँगी। वैसे तो मेरा मन नहीं है कि मैं बाहर का कुछ चीज़ खाऊँ, बट अभी कोई ऑर्डर ऑप्शन नहीं है खाने का, कि कुछ बाहर का ही खाना पड़ेगा, तो बाहर से मैं पिज़्ज़ा ही खाती हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, होपफुली। मेरा लंच आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। डोंट वरी, मैं इतना सब खाने वाली नहीं, बड़ी कि मैं ये अकेले खाऊंगी, ये सोच के आप लोग बोले कि इतना खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग 3 जन खाने वाले हैं, मतलब भूख लगी इसको, मतलब ऐसा थोड़ी है कि राक्षस की तरह सभी खा लो, हम लोग 3 जन खाने वाले हैं इसमें। मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, तो मैं मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। बाय। मुझे पास्ता पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, आप लोग मतलब सबसे पहले कौन सा पिज़्ज़ा मतलब बताइए। बहुत ही सॉरी, मैं जितना भी सॉरी बोलूँ वो कम होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सरप्राइज नहीं दिखा पा रही हूँ। इस ब्लॉग में थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक सेटिंग हो चुका है, कंटिन्यू कुकिंग चल रहा है और आज ये नेक्स्ट डे है। मैंने कल शूट किया था कि आज सरप्राइज़ है, बट ये नेक्स्ट डे हो गया है और मैं सरप्राइज़ को डिले ही कर रही हूँ, क्या करूँ, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है और आज भी बुकिंग है। पहले मैं आपको गेस्ट हाउस का लुक दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा गेस्ट हाउस सजा हुआ है, बुकिंग था तो बेटे की शादी थी, तो मैंने बस ऐसे ही बाहर से थोड़ा सा क्लोजअप ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे कि देखा आपने, गेस्ट हाउस में आज जागरण हो रहा है, बेटे की शादी है, तो ये गांधी मैदान साइड वाला जो हम लोगों का गेस्ट हाउस है वहाँ पे शादी है लड़की की और आज जागरण का प्रोग्राम है, तो उसी में बिजी चल रही थी और मैं शाम को शूट कर पा रही हूँ। पूरे दिन इतनी ज़्यादा मैं बिजी थी, तो आई एम सॉरी। और इस ब्लॉग को मैं और ज़्यादा सस्पेंस वगैरह वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करना ठीक समझती हूँ, क्योंकि पता नहीं हैट्रिक शेड्यूल से कब मुझे टाइम मिलेगा और कब मैं सरप्राइज दे सकती हूँ आपको या फिर दिखा पाऊँगी जो भी हो। वैसे एक अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों को हैप्पी एंडिंग देने के लिए कर सकती हूँ, और वो ये है कि इस मंथ में मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई मेरे घर आ रहे हैं, आई मीन मेरे ससुराल आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, क्योंकि किसी रिलेटिव की शादी है तो उसी को अटेंड करने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पटना आ रहे हैं तो मेरे साथ ही रहेंगे, तो आने वाले कुछ ब्लॉग्स और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। और मैं क्या सरप्राइज लेने वाली थी वो जब मैं लूँगी तो उसका ब्लॉग देखती हूँ, तो मैं बना पाती हूँ। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और बोर आपको नहीं करती हूँ, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं कुछ भी बोल रही हूँ।